Hey guys, welcome to Wi-Fi Study, Changing the View of Learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे। So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग दोस्तों महत्वपूर्ण 12-13 सवाल है जो कि कवर करते हैं मात्र 15 मिनट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। ठीक है गाइज, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह कोट ऑफ द डे से, जो कि दलाई लामा का कोट है, जो कि ये करने वाले हैं। इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद ए मॉस्किटो। मतलब समझे कि अगर आपको लगता है कि बदलाव के लिए आप बहुत छोटे हैं, क्योंकि एक बार मॉस्किटो के साथ में सोके दिखाइए, वो बताएगा आपको कि वो कितना छोटा है, उसके बाद में फिर रात भर सोने नहीं देता है। तो गाइज, किसी का भी जो काम होता है, अगर आप कोई भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं समाज के अंदर, किसी के लिए, किसी के जीवन में, तो यकीन मानिए वो कोई छोटा बदलाव नहीं होता है। आप चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आप कुछ भी छोटा सा काम कर रहे हैं, अगर आप एक छोटा पेड़ भी लगा रहे हो ना और उसमें पानी डाल रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा बड़ा नहीं होता है, डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, डिफेंस, कोई कैट हो गया, कोई यूजीसी हो गया, आईआईटी, नीट, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 या फिर BHU NESH BHUNESH 10 आप यूज करके ले सकते हैं। 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। एसएससी के अंदर फाउंडेशन बैच मेरा जीके का चल रहा है, जहाँ पे स्टैटिक जीके है, साइंस करवा चुका हूँ, अभी मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के भी कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के साथ में, और मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर। उसी प्रकार से दोस्तों, आप यूपीएससी का भी मेरा कोर्स चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं 39,000 रुपीज पर ईयर के अंदर, और ईएमआई के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे था, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी ग्लोबली हमारे जो बोन की प्रॉब्लम है, उसके कंडीशन को समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए दोस्तों इस दिवस की शुरुआत करी जाती है। 35 साल से ऊपर महिलाओं के अंदर ये काफी कॉमन देखने को मिलता है। ये आपकी नॉर्मल बोन है, ये देखिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है ना, काफी फर्क आ जाता है। ये देखिए, इस तरीके से क्रैक पड़ने लग जाते हैं, ये फ्रैक्चर होते हैं, ये बहुत ही माइनर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत को डैश स्थान पर रखा गया है। तो OECD कंट्रीज के अंदर जो बसने वाले लोग है ना, उसमें नंबर वन पे तो है दोस्तों चाइना, चाइना के लोग बस रहे हैं, और सेकेंड नंबर पे है दोस्तों हमारे लोग बस रहे हैं, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो इंडिया ने सेकंड रैंक अक्वायर करी है, अगर मैं OECD के बारे में बात करूं तो। ठीक है गाइस, चाइना नंबर वन पर है 4.3 लाख माइग्रेंट के साथ में, जो कि 2019 से 1% कम है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 37 मेंबर दोस्तों इसके हैं, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। जनरल सेक्रेटरी जनरल अभी यहाँ पे कौन है, जॉर्ज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मेजर मेजर कंट्रीज है दोस्तों। अक्टूबर 2020 में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस देश की सरकार को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशाल व्यापार क्षमता का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है? हमारे देश में दोस्तों जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, वो बहुत ही जबरदस्त जगह है, जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं करी है, ना वहां पे ज्यादा बिजनेस है, ना वहां पे ज्यादा अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हमने इनवाइट किया था दोस्तों, किसको, यूके को इनवाइट किया है कि वो वहां पे आए और बिजनेस करें। ओके, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनवाइट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इनको अपन सेवन सिस्टर कहते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में लगातार 2 मैच में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दो आईपीएल, दो मतलब दो इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 2 शतक लगाने वाले शिखर धवन, हालांकि इनकी टीम हार गई गाइस, लेकिन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि इन्होंने करी है। चौथे ऐसे भारतीय प्लेयर है जिन्होंने ये कारनामा किया है, इससे पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी कर चुके हैं। डेविड वार्नर एकमात्र इंटरनेशनल प्लेयर है जिन्होंने 5,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।
और ये पांचवे प्लेयर भी बन चुके हैं जिन्होंने 5,000 रन क्रॉस करे हैं। सबसे ज्यादा तो नंबर वन पे कौन चल रहे हैं, कोहली चल रहे हैं, सबसे ज्यादा रन आईपीएल में बनाने वाले हैं। चलिए, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना हाल ही में खबरों में थी। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर है। तो ये दोस्तों कलेश्वरम अभी जो है काफी न्यूज में थी, क्योंकि एनजीटी ने दोस्तों इसको लेकर बातचीत करी थी। यहाँ पे बोला था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अच्छी तरीके से नहीं हुई है, फिर भी कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लेकर बात हुई थी। तो ये पहली बात तो गोदावरी के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। तो एनजीटी ने दोस्तों इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो दिया था कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को तेलंगाना के अंदर। तो बोला गया है कि लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर वायलेशन किया गया है। ठीक है गाइस, तो इसको लेकर बात करी गई है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसको माना जाता है। ओके गाइस, काफी बड़ा है, मतलब गोदावरी और प्रणहिता रिवर्स के ऊपर बनाया जा रहा है और काफी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। हाल ही में जरीन रोशन खान जी का निधन हो गया, वह एक डैश थी। तो जरीन खान जी की बात करें तो ये बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी। ओके, चलिए, तो रेनॉट टीवी एक्ट्रेस है जरीन खान जी दोस्तों, और कुमकुम भाग्या टेलीविजन के अंदर और भी कई सारे टीवी सीरियल के अंदर ये आया करती थी। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा करी। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय की बात करें तो ये है गाइज कहाँ पे, मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और 1964 में इसकी शुरुआत करी गई, आरबीआई के सब्सिडियरी था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको ट्रांसफर कर दिया गया। और 2018 में एलआईसी जो है उसको टेक्निकल गो अहेड मिल गया, आईआरडीए के साथ में आईडीबीआई के स्टेक को 51% तक उसने इंक्रीज कर लिया। एलआईसी ने अभी तक दोस्तों, एलआईसी के पास अभी 51% कंट्रोलिंग स्टेक है आईडीबीआई के, और अभी एमआर कुमार चेयरमैन और राकेश शर्मा जी एमडी और सीईओ है। अक्टूबर 2020 में एक ऐतिहासिक विकास में निम्नलिखित में से किस देश से पहला प्रतिमंडल इजराइल पहुंचा है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट डेलीगेशन अरब कंट्री से किसका, यूएई का है, जो कि अभी इजराइल पहुंचा है। ओके, आपको मालूम है काफी हिस्टोरिकल मोमेंट है, मोमेंट मोमेंट है ये दोनों देशों के लिए। अब्राहम अकॉर्ड हुआ है दोनों देशों के बीच में, पीस अकॉर्ड किया गया है नॉर्मलाइज टाइज करने को लेकर, इसके साथ में बहरीन जो है उसके साथ में भी करा है। ओके गाइज, और जॉर्डन और इजिप्ट के अलावा किसी भी देश के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे किसी भी गल्फ कंट्री में, क्योंकि फलस्तीन को साथ में सपोर्ट किया करते थे गल्फ कंट्रीज, इस वजह से है ना। तो अब जाके दोस्तों थोड़े से नॉर्मलाइज टाइज हो रहे हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कटी बिहू त्योहार मनाया? तो बिहू नाम से पता लग जाता है हमको कि आसाम का त्योहार है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस तो एग्रीकल्चर से काफी कोरिलेटेड है, और फर्स्ट डे जब आता है काटी मंथ का असामी कैलेंडर के अंदर, तब काटी बिहू को मनाया जाता है ना। वुमेन अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर इस तरीके के, देखिए दोस्तों, डांसिंग होती है। ठीक है, तो काफी फेमस फेस्टिवल है बिहू। एक तीन इंपॉर्टेंट असामी फेस्टिवल का पार्ट है, रंगोली होता है एक तो सोइंग के टाइम पे, एक काटी बिहू होता है जब आप क्रॉप का प्रोटेक्शन का काम करते हो, और एक मेघ बिहू होता है जब आप हार्वेस्ट का काम करते हो। तो तीन बार दोस्तों ये अलग अलग तरीके का बिहू फेस्टिवल है, जब क्रॉप उगाते टाइम, ध्यान रखते टाइम और काटने टाइम, इस तरीके से अलग अलग मनाया जा रहा है। बिहू बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसके अलावा अबूबाची भी बहुत फेमस है, माजुली, दिहांग पटकाई सारे फेमस है। माजुली तो आपको मालूम है गाइस, आइलैंड भी है, दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है, यानी कि रिवर के बीच में बना हुआ है माजुली आइलैंड, और इसको तो डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया हुआ है। आपको क्या करना पड़ता है, आप बाइक लेके भी जा सकते हो इस आइलैंड के ऊपर, आपको बोट लेनी पड़ती है, बोट से फेरी से आप इस आइलैंड के ऊपर जाके फिर आप, बढ़िया बड़ा है आइलैंड मतलब, इस पे घूम सकते हो। डांसेस आपको मालूम ही है, ठीक है, दो तीन फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल शेफ डे, आपको मालूम है गाइस कि काफी लोगों की हॉबी होती है कुकिंग करना, है ना। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो कि कुकिंग के अंदर काफी अच्छे होंगे। ओके, तो कभी लगे कि आप कुकिंग बहुत अच्छे करते हो तो कोशिश करो आपकी हॉबी को प्रोफेशन बनाने की, है ना। हमेशा ऐसे पूंछ पकड़ के मत रहो गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कोई छोटा सा टेक अवे खोल सकते हैं। आजकल तो स्विगी जोमेटो कितना चल रहा है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मेरे एक फ्रेंड का। ओके, एक मेरा फ्रेंड है, उसने सिर्फ 12th पास किया था, उसने कॉलेज भी नहीं किया हो, और उसको फूड में बड़ा इंटरेस्टेड था।
तो उसने अपने घर के नीचे ही एक, काफी साल पहले की बात है, मतलब 2-3 हजार रुपए के अंदर, मतलब उसने रेंट पे ली थी एक शॉप, ओके, और उसने टेक अवे स्टार्ट कर दिया, मतलब लोग पैक करा के जा सकते हैं। इतना अच्छा खाना बनाता था वो कि शुरुआत में 2 लोग आए, 2 से 4 आए, 4 से 6 आए, फिर अभी तो 2-3 सालों से स्विगी जोमेटो आ गया है। ओके, तो मतलब अब ऐसा हो गया है कि उसने जयपुर में मतलब 3-4 जगह पे फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दी है। तो काफी ऐसे लोग, मतलब आपका इंटरेस्ट होता है ना, तो शेफ, आप फूड बहुत इम्पोर्टेंट वो बिजनेस बन चुका है, आपको मालूम है। तो अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस दोस्तों 20 तारीख को मनाया जाता है। ओके गाइज, ये बात अलग है, मुझे कुछ नहीं आता है, अपने को चाय बनानी आती है, चाय अपन बढ़िया बना लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। 2020 की थीम की बात करें, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, ये थीम है जो कि रखी गई है। ओके, चलिए, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी बसों पर डैश में बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। तो सीएनजी बसों की शुरुआत करी गई है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है ताकि पॉल्यूशन कम हो, और इसको दिल्ली में स्टार्ट किया गया, और इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए ताकि ये जो लो फ्लोर बसें पीछे से काला धुआं छोड़ती है ना, देखा होगा आपने, दिल्ली के तो फिर भी चलो थोड़ी सी मेंटेन है, जयपुर की अगर आप देखोगे ना लो फ्लोर बसें को, तो पीछे से इतना काला धुआं छोड़ती है वो, बिल्कुल मेंटेनेंस उनके जीरो है एकदम। तो सीएनजी जलाना जरूरी है ताकि पॉल्यूशन कम हो, और आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक आ जाना चाहिए, मतलब जितनी जल्दी हो सके। ओके, तो ये यहाँ पे दिल्ली में लॉन्च करी गई है। ये देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ में ब्लेंड करके डाला जाता है, तो उसको एचसीएनजी कहते हैं, हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसमें हाइड्रोजन और मीथेन दोनों के एडवांटेजेस है। ओके, और पॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज देती है, मतलब कम पॉल्यूशन करती है, कार्बन फ्री ऑपरेशन है जो कि इसके होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने डैश में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। तो आपको मालूम है आजकल दोस्तों उत्तर प्रदेश की काफी न्यूज आ रही है, रेप हो गए इस तरह के केसेस की, तो एक महिला सुरक्षा अभियान है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया है। आपको जान के वैसे हैरानी होगी कि 2019 के अंदर सबसे ज्यादा जो रेप हुए हैं दोस्तों वो राजस्थान के अंदर हुए हैं। ओके, और सेकंड नंबर पे जो है वो मेरे ख्याल से यूपी या दिल्ली में से एक है, और उससे डबल है, मतलब राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। ओके, तो राजस्थान में ऐसा होता नहीं था पहले, लेकिन पता नहीं 2-3 साल से तो क्या ही हो गया, मतलब। चलिए ठीक है गाइस, तो ये लखनऊ के अंदर है जो कि ये दोस्तों सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है। आनंदीबेन पटेल है जो कि अभी गवर्नर है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया है जो कि 100 पिंक स्कूटी, 10 4 व्हीलर है ना, वो सब लेकर शहर की सुरक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 विधानसभा, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा की सीट है। वाइल्ड लाइफ में दुधवा, पीलीभीत, महावीर है ना, चंद्रबरवा रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, मिशन शक्ति यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, सिक्योरिटी के लिए 1 करोड़ टेस्ट किए गए कोविड-19 के, यूराइज नाम का स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया गया है, और बिगेस्ट फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट किया गया है। एलावेलिन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एलावेलिन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो ये शूटिंग की बहुत जबरदस्त प्लेयर है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश शूटिंग टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो 10 बजे तो है एनसीईआरटी की, और दिन में 1 बजे है दोस्तों एनटीपीसी की, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आज 3 मंथ चैलेंज वाली क्लास नहीं है, अनअकैडमी पे सर्च करें भुवनेश शर्मा, फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर BHU NESH भुवनेश लगा के आप 10% ऑफ पा सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके और जो भी आपको SSC के अंदर तैयारी करनी है, तो सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। मेरा हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो चुका है, करना कुछ नहीं है, गोल सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 500 रुपये पर मंथ सेलेक्ट करो, रेफरल कोड में BHU NESH या फिर BHU10 भी लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आयोडीन की कमी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आयोडीन की कमी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आयोडीन आपके मालूम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में गाइज, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।